स्विमिंग पूल है और इसके सामने वहाँ पे है सारा समुंदर। हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ मुकुल। तो आज को व्लॉग को टॉपिक है जो था टाइटल पर ये समझ आ गया उन्होंने कि आज को टॉपिक आप लोग के हैं। तो फाइनली आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली 3-3.5 साल बाद वो दिन आ गया जब मैं 3 साल पहले ठाया हूँ। मैं सोचूँ मैं वापस इंडिया घर जाऊँगा, तो आज वो दिन आए हुए हैं। तो आज के दिन मैं आज की शाम में मेरी फ़्लाइट है 6:45 PM। तो अब मैं नहा धोके तो तैयार हो गया हूँ। मैं काफ़ी शोर होने ला रही है एक मिनट। तो मैं नहा धोके तैयार हो गया हूँ मैं, और तो मैं अपने फ्रेंड को वेट कर ला, बस वो फ्रेंड आ जाए तो विंग बाद मैं घरों चलाऊँगा एयरपोर्ट का। तो आज मैं थोड़ा 2 घंटे पहले जाऊँ क्योंकि काफ़ी लास्ट व्लॉग में तो देखा मैं काफ़ी मिशार पर लेट ही पहुँच चुकी हूँ एयरपोर्ट पर। तो आज जो आज टूरिस्ट कॉल है मैं तो आज टाइम हो जाऊँगा, मैं 2 घंटे पहले जाने ला रही हूँ मैं। और तो आप हाँ ये व्लॉग मैं ज़्यादा कौन खींचे क्योंकि वो व्लॉग थोड़ा बड़ो हो उसका है, तो फिर आज की इंट्रो थोड़ी शॉर्ट में ही है। और बाकी बाकी एक सरप्राइज़ और है जो को बहुत थाना मैं एयरपोर्ट पर जाए दिखाऊंगा। और तो खास कौन बाकी गाइज अब जो करूँ चलांगा जब थाना आप मिलना और बाकी आगे स्टोरी थाना मैं बताऊँ। ओके बाय गाइज। तो गाइज अब हम चलते हैं घर से। आ गया है तो मैं घर पे जा रहा हूँ। जैसे मैंने 2 लगेज कटाई किए हैं, उनमें 30 kg मेरा वेट था, उस हिसाब से मैंने इतना वेट दिए। अब तो हम घर वाले सभी से बंदों से मिल लेते हैं, फिर उसके बाद हम मेरे साथ जा रहा है भरत, भरत मेरे को एयरपोर्ट छोड़ के आएगा। तो गाइस अब आगे मिलते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़े सैड सॉन्ग चले हैं से मिल लिए हैं। तो लास्ट टाइम रियो से मिल लेते हैं, रियो इस टाइम खाना खाने बिजी है। चलो ओके ब्रो मिलते हैं। काफ़ी टाइम फाइनली मैं घर पर सबसे मिल के आ गया और अब हम कार में बैठ के जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो मिस्टर बागड़िया जी ड्राइविंग सीट पे। तो हमारे साथ हैं राहुल बागड़िया जो आज हमें छोड़ के आने वाले हैं एयरपोर्ट तक। आप तो मेरे बताओ आप मेरे को मिस करोगे ना ब्रो? बहुत मिस करूंगा भाई। 12 मिनट बाद हम एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे और उसके बाद मैं चेक इन वगैरह करूंगा। चेक इन करने के बाद फिर मैं आपसे आगे मिलता हूं गाइस। तो अब आगे मिलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। ओके बाय गाइस। तो गाइस मैं एयरपोर्ट पे पूरे पूरे टाइम पे हमेशा की तरह 5 मिनट पहले पहुँचा हूँ, बट स्टिल उन्होंने मेरे चेक इन कर दिया, चेक इन कर सारे बैग वगैरह डाल दिए। अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी की तरफ और सिक्योरिटी से निकलने के बाद फिर मैं फ्री हूँ। फिर मेरी फ़्लाइट है 6:45 पे, अभी 1 आवर पड़ा है। तो अभी हम सिक्योरिटी चलते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैंने सिक्योरिटी क्लियर कर दी है। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद मेरा गेट नंबर है 24। तो अब मैं गेट नंबर 24 पे जा रहा हूँ। तो मेरी फ़्लाइट है 6:45 पे, उसके बाद फिर वो जाइए कोलंबो। कोलंबो में मेरा 12 आवर्स का स्टे है और उस स्टे के लिए उन्होंने मेरी फ्लाइट से जो श्रीलंका एयरलाइंस है उन्होंने मेरे लिए पहले ही होटल बुक करके रखा है सभी के लिए जो जितने भी इनके डिले हैं। तो 12 आवर्स वहाँ पे लेंगे। उसके बाद 3:40 आवर्स की है कोलंबो से दिल्ली की फ़्लाइट और फिर आगे मेरा एक फ्रेंड मिलने वाला है, मेरे फ्रेंड लेने आने वाला है। तो उस फ्रेंड को मैं आपको दिल्ली में मिलाऊँगा। तो पहले अब चलते हैं 24 नंबर गेट पर। अब मैं एयरक्राफ्ट में जा रहा हूँ। तो मैं चेक इन सिक्योरिटी सब कुछ हो चुका है, मैं 6:45 हो चुका है। तो फ्लाइट की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो अब मिलते हैं फ्लाइट के अंदर। तो गाइस अब फ्लाइट कुछ देर में उड़ने वाली है और
उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। तो गाइस 11:30 के बाद मैं सिडनी से कोलंबो इन श्रीलंका पहुँच गया हूँ। तो अब काफ़ी देर हो गई यहाँ पे आए को, मेरे को 30 मिनट हो गए पहले मैं यहाँ पे आया। आने के बाद ऑन अराइवल वीज़ा मिला है मेरे को, क्योंकि मेरा यहाँ पे 12 आवर का स्टे है। तो इसके लिए मैं श्रीलंकन एयरलाइंस ने मेरे लिए यहाँ पे पहले से होटल बुक कर दिया था, मतलब जो जो जिन की वेटिंग थी यहाँ पे उन सबके लिए होटल बुक है, तो मेरा भी होटल बुक है। तो ट्रांजिट पास वगैरह लेके मैं सिक्योरिटी क्रॉस करके मैंने यहाँ पे वो पास जमा करवा दिया है, और अब उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ देर बाद हम यहाँ से चलेंगे, फिर होटल की तरफ जाएंगे, फिर होटल में जाके मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। और फिर मेरे को बताया गया है, वैसे अब मैं शाम अब दोपहर में 2:10 PM पे मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है इंडिया टू दिल्ली, तो उसके लिए मेरे को कहा कि 11 बजे तक रेडी हो जाना वहाँ पे होटल में, उसके बाद होटल से यहाँ पे फिर बाद में इंडिया जाएंगे। तो अब फिलहाल तो होटल में चलते हैं, तो उसको वेट करता हूँ, फिर आगे अपने आगे मिलते हैं गाइस। गाइस मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ श्रीलंका एयरपोर्ट के पास। तो ये श्रीलंका एयरपोर्ट का बाहर का कुछ नज़ारा है, पीछे टैक्सी वगैरह आ रही हैं और यहाँ पर भी काफ़ी माहौल बना हुआ है, क्योंकि रात का टाइम है बट स्टिल लोग आ रहे हैं, तो करके गाड़ियों में आना जाना लगा हुआ है। बट आप कुछ देर बाद सड़क पर जाएंगे तो यहाँ की एक नई कंट्री की सड़कें वगैरह देखेंगे, यहाँ की सड़कें श्रीलंका की कैसी है और कैसे जितना भी देख सकते 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से एयरपोर्ट से मेरा होटल, वहाँ पर जाके देखते हैं और क्या होता है। उसको दिन में वेट कर रहे हैं टैक्सी का। तो हम एयरपोर्ट से बाय बस होटल की तरफ जा रहे हैं। से दिल्ली की तरफ जल्दी से जल्दी जाएँ, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गोइंग टू दिल्ली। तो अब पता नहीं आप क्या आ गए हैं, देखते हैं एक मिनट जितना भी व्यू वगैरह वो आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा। और अभी तो रात के हो रखे हैं 3:42, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और चलो आपको थोड़ा छोटा सा रूम का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये मेरा रूम है, तो ये बालकनी का व्यू है। अच्छा सामने समुंदर है, ओके, इस बात का मैं पता ही नहीं चला। ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे, तो ये समुंदर है, ये समुंदर नहीं, ये तो स्विमिंग पूल है, और इसके सामने वहाँ पे है सारा समुंदर जो आपको सुबह दिखा के रहा हूँ, कुछ दिल लहरें दिख रही होगी वहाँ पे, हाँ, तो वो सामने समुद्र में। इस बात का पता नहीं था कि श्रीलंका एयरलाइंस वाले इतने बढ़िया बढ़िया होटल बुक करा के देते हैं। अगर ऐसे होटल बुक कराएं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 12 आवर का स्टे हो तो इजीली हम कर सकते हैं। तो इस अब थोड़ा इसी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और हम थोड़ा रेस्ट करते हैं थोड़ा। तो गाइस मैं आपको अपने प्लान के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया में आए को 3 साल हो गए हैं, और पहले कुछ कोरोना आ गया था पैनडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण मैं वापस इंडिया जा नहीं पाया, और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला। तो अब मैं फ्री हुआ, तो मैंने वैसे तो मैं दो ढाई दिन पहले ही मैंने अपनी टिकट्स वगैरह बुक कर ली थी, मैंने पहले प्लान बना लिया था। बट ये सारा प्लान सरप्राइज़ है, घर वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो सारा ऑन द स्पॉट होगा, वहाँ पर जाके मैं घर वालों को सरप्राइज़ दूंगा। तो घर वालों के हिसाब से तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ, बट मेरी कल फ़्लाइट थी, तो कल मैं चला था, अब मैं यहाँ पे कोलंबो में हूँ श्रीलंका में। अब आज दोपहर में यहाँ से फ़्लाइट चलेगी, फिर मैं दिल्ली में फिर एक नाइट स्टे करूँगा मैं वहाँ से, नेक्स्ट डे से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके फिर मैं जाऊँगा अपने घर की तरफ। तो मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, और आफ्टर 3 ईयर्स मैं सभी लोगों को अपने एरिया को सब कुछ देखूँ तो काफ़ी अच्छा लगे कि ब्रेक लेना चाहिए, तो इससे आपको काफ़ी रिफ्रेशमेंट फील होती है। तो करके बाकी अभी मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है कि हाँ सबको कैसे फेस करूँगा मैं, बट कोई ना, आई विल डू इट, श्योर।
तो आपको सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में, और आपको बार का बीच का व्यू भी मैं सुबह दिखाऊंगा। तो ओके गाइस, अब मैं सोता हूँ, गुड नाइट।